गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास फोर का संस्कृत चैप्टर थ्री पढ़ाने जा रही हूँ। एसा एतव एते पुलिंग शब्द। इसको जानने से पहले ये बात आप लोग जान लीजिए कि पहले पहले बुक में आप लोग को हम बताए थे जो वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, लिंग क्या होता है। तो लिंग के बारे में थोड़ा सा पहले हम जान लें कि हिंदी व्याकरण में तो हम लोग दो तरह के लिंग पढ़े थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग तीन तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है तो हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जिस शब्द से पुल्लिंग जाति का बोध हो तो हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और जिस शब्द से न स्त्री जाति का बोध हो न पुल्लिंग जाति का बोध हो तो उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे अब हम संस्कृत में कैसे पहचानेंगे जो स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, पिछले बुक में जो हम पढ़ाए थे आप लोग को, भेजे थे पीडीएफ बना के, उसमें ये सब बातें हम आप लोग को बताए थे। अब फिर से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो जिस अकारांत शब्द, अकारांत शब्द होता है जिस शब्द के अंत में अ होता है तो वो हम पुल्लिंग शब्द पहचान लेते हैं कि वो पुल्लिंग शब्द है। जैसे अश्व, मृग, सुक्का, ये सब शब्द जो है अकारांत यानी जिसके अंत में अ आता है तो हम पहचान लेते हैं कि ये पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द में जिस शब्द के अंत में आकारांत हो, आकारांत शब्द, जैसे शाखा। आप लोग को ये सभी बातें हम बता चुके हैं, शाखा, माला, हजार, यानी शाखा आकारांत हो गया, माला, अजा, माता, बालिका, बालिका पुल्लिंग में जैसे बालक, पुल्लिंग में भी बालक को देखते हैं, बालक, ये क्या हो गया पुल्लिंग, बालक, बालिका। देखिए जैसा कि बालक से हम समझ जाते हैं कि पुल्लिंग है तो ये अकारांत, बालिका अंत में आ रहा, ये स्त्रीलिंग होगा। अब नपुंसक लिंग में मूल शब्दों में म हलंत लगाकर होता है, जैसे आम, आम, आम हुआ, आम्रम, ये जो लगा आम्रम, पत्रम, पत्र हो गया नपुंसक, उसमें लगा दिए, ये क्या बन गया पत्रम। जलम, जल हो गया नपुंसक, उसमें ये लगा जलम। ये सब जब भी म शब्द में मूल शब्द म में हलंत लगा होगा तो ये नपुंसक लिंग का पहचान हो जाएगा। तो आज आप लोग तीन बात को समझ गए होंगे कि संस्कृत में लिंग तीन तरह के हो गए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। शब्द का पहचान भी जान गए, अकारांत, आकारांत और मूल शब्द में म हलंत लगा रहेगा तो ये सब नपुंसक हो जाएगा। अब एक चीज इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज और जानना है, जो वचन कितने होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में आप लोग देखते हुए कि एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत व्याकरण में जब हम आते हैं तो एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन होता है, कोई भी शब्द में स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसक हो। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं बालक, बालक एक वचन हो गया, द्वि वचन में हो जाता है, बालक बालक। इस तरह से क्या होता है कि एक वचन जब रहेगा तो बालक, दुई वचन, दो जब रहेगा दो लड़का,
तो इस तरह से एक वचन द्विवचन और बहुवचन हो गए। फिर स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में यह हो गया। अब स्त्रीलिंग कोई शब्द देख लीजिए, जैसे माला क्या हो जाएगा द्विवचन में माले, और बहुवचन में जब जाइएगा तो हो जाएगा माला। माला तो एक माला रहेगा तो माला, दो माला तो माले, बहुत सारे तो माला। इस तरह से आज आप लोग पढ़े क्या वचन, एक वचन द्विवचन और बहुवचन और लिंग, एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक। जब इतने सारे बातों को हम जान जाएंगे उसके बाद हम इस चैप्टर पर आएंगे जो ये क्या पढ़ना है। ऐसा इस चैप्टर में पढ़ना है ऐसा एताउ एते एते पुलिंग सर्वनाम शब्द ये हो गए। यानी ये सब जो है ऐसा एताउ एते ये सब पुलिंग सर्वनाम शब्द हो गए। सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए सर्वनाम शब्द का सबसे पहले इसकी संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को यानी नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा का जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह तुम कौन कहाँ, जैसे राम अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, वह का प्रयोग किसके लिए होता है तो राम के लिए करा गया है कि वह पढ़ने में तेज है, न कि हम बार बार राम पढ़ने में तेज है, राम खाता है राम आता है, उसके जगह पर राम के जगह पर वह का प्रयोग किया गया। तो यह सर्वनाम होगा, यानी संज्ञा के जगह पर जो चीज प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यह भाषा को सुंदर बनाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यह जो लिखा है ऐसा एतौ एते ये सब सर्वनाम शब्द हो गए। ऐसा ऐसा का मीन्स होता है यह पुलिंग के लिए प्रयोग होगा, यह पुलिंग शब्द होगा, पुलिंग में प्रयोग होगा। ऐसा मीन्स यह, कह मीन्स कौन, अस्ति अस्ता संति, अस्ति अस्ता संति। यहां देखिए ऐसा का अस्ति, यह कौन है, अस्ति माने होना, एक वचन जब रहेगा तो अस्ति हो जाएगा। फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, अब देखिए अस्ति जब एक कोई चीज रहेगा तो अस्ति का प्रयोग होगा। अस्ति अस्ता यानी जब दो रहेगा तो अस्ता, जब बहुत सारे का बोध होगा तब हो जाएगा संति। यह सब चीज याद रखने की बात है, आप लोग को इतना बात जरूर याद रखना होगा कि लिंग सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक है, पहले इस चीज को पहचान लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे वचन कि ये एक वचन है कि दुई वचन है कि बहुवचन है, इसको पहचानना होगा। एक वचन में अस्ति, दुई वचन में अस्ता, बहुवचन में संति। अब देखिए यहाँ पर आपके रूप में दिया गया है कि ऐसा का अस्ति, यह कौन है, तो ऐसा अध्यापक अस्ति, यह एक अध्यापक है। ऐसा का अस्ति, यह कौन है, ऐसा छात्र अस्ति, एक छात्र है तो यह एक छात्र है। अब यहाँ कहता एतौ कौ अस्ता, एतौ एक वचन में रहेगा तो
एतो और बहुवचन में रहेगा तो हो जाएगा एते एते। अब देख लीजिए कि अस्ति एकवचन, अस्ता द्विवचन, संति बहुवचन। अब ऐसा ऐसा मीन्स क्या होता है? यह जब एक कोई व्यक्ति रहेगा ऐसा, जब दो रहेगा तो एतो, और जब बहुत सारे रहेंगे तब एते। ये आप लोग को ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। अब यहाँ दिया गया है कि एतो कौ अस्ता, कह कौ के, यहाँ ये भी याद रखना होगा कि कह कौ के, कह कौ। अब यहाँ है कह माने मिस कौन, ऐसा मिस या कह मिस कौन, अस्ति एक के लिए, अस्ता दो, दो कोई चीज रहता तब, संति बहुत सारे रहेंगे तब। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि एतो कौ अस्ता, ये दोनों कौन है? एतो चित्रकार हो अस्ता। अब चित्रकार का देखिए, चित्रकार एक पदम रहेगा तो चित्रकार हो, चित्रकार हो, चित्रकारा, यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों में। अब आपको देखना है जब एक द्विवचन रहेगा अस्तो, संति इस तरह से खोज के लिखना है। तो चित्रकार अस्ता, एतो कौ अस्ता, ये दोनों कौन है? एतो मालाकार अस्ता, यानी ये दोनों मालाकार है। माला मालिक जो होते हैं उसको मालाकार बोला जाता है। तो ये दोनों दो मालिक है, ये दोनों माली है। अब यहाँ देखिए एते के संति, ये सब, एते का मतलब ये सब कौन है? यहाँ पर बताया है कि अस्ति अस्ता संति बहुत सारे हैं, इसलिए संति हो गया, बहुत सारे हैं इसीलिए क्या हो गया एते। यहाँ पर है ये एते हो गया, बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, तीन चार है, बहुत सारे हैं, एते हो गया, यहाँ संति हो गया। तो एते के संति, यहाँ पर तो क्यों हो जाती है, यहाँ पर क्यों हो रहा है बहुवचन में, यहाँ तीनों बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एते के संति, एते मृगा संति, यानी ये सब मृग है, मृगे हैं। एते के संति, ये सब कौन है? एते सिंहा संति, ये सब सिंह है, यानी अनेक शेर है, बहुत सारे शेर है। तो इस तरह से आप लोग इस चैप्टर में वचन सर्वनाम, सर्वनाम पुल्लिंग शब्द पढ़े, कौन सा पुल्लिंग, ऐसा एतो एते, यह, ये दोनों और यह, ये सब, ये तीन तरह मतलब एक वचन द्विवचन और बहुवचन में हो गया। अब यहाँ चित्र देखिए, चित्रों को देखिए और वाक्य देख लीजिए। यहाँ दिया हुआ है कि ऐसा खाली जगह अस्ति, क्या है? छात्र अस्ति, ये दोनों मालाकार है। ऐसा एतो एते, तव दिया हुआ है क्योंकि ये द्विवचन है, इसलिए तव अस्ति अस्ता, अस्ता द्विवचन में क्या होता है? अस्ता, यहाँ अस्ता हो गया। इस तरह से एते, ऐसा एतो एते, एते क्या हो गया? बहुवचन में हो गया। तो एते मृगा अस्ति अस्ता संति, एते मृगा संति, इस तरह से। ऐसा मीन्स यह, अस्ता मीन्स दो है, और के माने अनेक कौन, संति मीन्स अनेक है। अब यहाँ देखिए इन पदों को संस्कृत में लिखिए, एक शिक्षक अध्यापक, दो चित्रकार, पहले ही बताए दो चित्रकार रहेगा तो क्या होगा? चित्रकार चित्रकार हो जाएगा। अनेक हिरण मृगा, अनेक से सिंहा, यहाँ एक वचन द्विवचन बहुवचन का यहाँ दिया गया है। छात्र छात्र छात्रा, मृग मृग मृगा, सिंह सिंह सिंगा, इसी तरह से बहुत सारे शब्द पुल्लिंग जो होंगे, जैसे बालक बालक बालका, मयूर मयूर मयूरा, सुक्क सुक्क सुक्का, यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन में जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे वो सबको इसी तरह से आप लोग बैठा के लिखिए।
जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई शब्द देखिए सुक्का नहीं है तो सुक्का सुक्का हो जाएगा सुक्का, मयूरा मयूरा मयूरा, इस तरह से। तो आज आप लोग पुल्लिंग सर्वनाम शब्द ऐसा ऐसा देते पड़े, एक वचन दो वचन और दो वचन अस्ति अस्त संति ऐसा ऐसा ऐसे कह कौ के, इतना चीज को आप लोगों को याद रखना है। ऐसा 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 ऐसे कह कौ के अस्ति अस्त संति, एक वचन में रहेगा तो कह कौ, दो रहेगा तो कौ, बहुत सारे रहेंगे तो के हो जाएगा। यही आपका चैप्टर था, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे ध्यान से, याद करने वाला जो टेबल है इसको याद करेंगे। धन्यवाद।